C-I-E-T-N-C-E-R-T -E presents Trilingual Dictionary of History for Schools Itihas Vidyalayon ke liye tribhashi shabdakosh Tariq ki lugat Schoolon ke liye sahlashani. Letter L Index Word and page number Liberalism Liberals Page 74 Lithography. Lithograph. Page 74. Lost wax technique. Page 74. Lower town. Page 75. Now let's move to the dictionary of history. Letter L. Page 74. Liberalism. Liberals. The expression stands for a philosophy which advocates individual freedom and the creation of social, economic, and political institutions on that basis. Historically, the ideas associated with this philosophy originated in Europe and significantly influenced the English, the American, and the French revolutions of the 17th and the 18th centuries. इन इट्स पोलिटिकल इंस्टांस द फिलॉसफी रिजेक्टेड एब्सोल्यूटिज्म ऑफ ऑल काइंड एंड इन द इकोनॉमिक्स फियर इट फेवर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड फ्री मार्केट्स बोथ द प्रोपाउंडर्स एंड द एडहेरेंट ऑफ दिस फिलोसफी आर कॉल्ड लिबरल्स उदारवाद उदारवादी ये एक ऐसे दर्शन का सूचक है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके आधार पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण का समर्थन करता है ऐतिहासिक रूप से इस दर्शन से जुड़े विचार यूरोप में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड अमेरिका और फ्रांस में हुई क्रांतियों को काफी हद तक प्रभावित किया था राजनीतिक दृष्टि से इस दर्शन ने सभी प्रकार के निरंकुशवाद को अस्वीकार किया और आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजारों का समर्थन किया इस दर्शन के प्रतिपादकों तथा इसे मानने वालों दोनों को उदारवादी कहा जाता है आजाद ख्याली आजाद ख्याल इससे मुराद एक फलसफा है जो शख्सी आजादी और इसी उसूल पर मुबनी समाजी इकत और सियासी इदारों की तशकील की वकालत करता है तारीखी लिहाज से इस फलसफे से वाबस्ता नज़रियात की शुरुआत यूरोप में हुई थी और इसने सत्रहवीं और अट्ठारहवीं सदी के दौरान बरतानिया अमरीकी और फ्रांसी इनकलाबाद को गैर मामूली तौर पर मुतासर किया इस फलसफे ने सियासी मामलों में हर तरह की मुतलकुल इनानियत को रद्द किया इकतदी मामला में पाबंदियों से मुबर्रा तजारत और आजाद बाजारों की हिमायत की इस फलसफे को पेश करने वाले और इससे वाबस्ता अफराद को आजाद ख्याल कहा जाता है लिथोग्राफी लिथोग्राफ द टर्म रेफर्स टू अ प्रिंटिंग टेक्निक इन विच अ डिजाइन इज फर्स्ट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट लाइम स्टोन स्लैब और अ स्पेशली ट्रीटेड मेटल प्लेट यूजिंग क्रेन्स और इंक The surface is then washed with water. After this, when ink is applied, it sticks to the greasy drawing but runs off the wet surface, allowing a print, a lithograph of the drawing to be made. This is done by pressing a blank paper against the inked drawing. Shila mudrana. Shila mudrit. Ye chapai ki ek aisi vidhi जिसमें किसी समतल शिलाखंड या विशेष रूप से तैयार की गई धातु पट्टिका पर पहले क्रेयॉन या स्याही से एक डिजाइन बनाया जाता है फिर सतह को पानी से धो दिया जाता है इसके बाद जब स्याही लगाई जाती है तो वो चिकने ड्राइंग पर चिपक जाती है लेकिन गीली सतह पर नहीं टिकती जिससे बनाई जाने वाली ड्राइंग का एक छापा यानी लिथोग्राफ बन जाता है यह कार्य कोरे कागज को स्याही लगी ड्राइंग पर दबाकर किया जाता है लिथोग्राफी लिथोग्राफ इस इस्तिला से मुराद एक तिब्बती तकनीक है जिसमें नक्शे को पहले चूने पत्थर की सपाट सिल या बाल खसूस धात की प्लेट पर रंगीन चाक या रोशनाई का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है फिर सतह को पानी से साफ किया जाता है इसके बाद जब इस पर रोशनाई डाली जाती है तो यह चिकने नक्शों पर चिपक जाती है लेकिन अगर नक्काशी के लिए लिथोग्राफी नम सतह पर की जाए तो बह जाती है इस तरह की तबात रोशनाई जबा नक्शे पर सफेद कागज को दबाकर की जाती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक लॉस्ट वैक्स ऑल्सो नोन एज सिरे पर टेक्नीक बाईविच स्टेच्यूज ऑफ मेटल्स आर मेड To begin with, the process involves making of a wax model of the statue, which is then covered with clay with holes made into it. The clay cover is then allowed to dry. Once dried, it is baked, leading the wax to melt and leaving a hollowed clay form. Molten metal is then poured into it. Once this metal is cooled, the clay cover is removed.

इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम मूर्ति का एक मोम का प्रतिरूप बनाया जाता है फिर उस प्रतिरूप को चिकनी मिट्टी से चारों ओर से ढक दिया जाता है लेकिन उस मिट्टी के आवरण में कुछ छेद बना लिए जाते हैं फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब वो सूख जाता है तो इसे आग में रखकर पका लिया जाता है इस प्रक्रिया में उसका मोम पिघलकर निकल जाता है और उसका खोखला रूप रह जाता है फिर खाली जगह में पिघली हुई धातु को भर दिया जाता है जब धातु ठंडी होकर ठोस रूप ले लेती है तब मिट्टी के आवरण को तोड़कर हटा दिया जाता है इस प्रकार धातु की मूर्ति ठोस रूप में निकल आती है जिसे अच्छी तरह चमका लिया जाता है हड़प्पा की बहुचर्चित नर्तकी की मूर्ति और चोल कालीन कांसे की मूर्तियां इसी लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई थीं। गुमशुदा मोम तकनीक यानी मोम का सांचा, गुमशुदा मोम को जमाए मोम भी कहा जाता है यह ऐसी तकनीक है जिसके जरिए धातु के मुजस्मे तैयार किए जाते हैं इस तकनीक के तहत अव्वलन मुजस्मे का सांचा मोम से तैयार किया जाता है फिर इस पर बने हुए सुराखों को मिट्टी से ढककर खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है खुश्क होने के बाद मोम को पिघलाने के लिए इसे आग में पकाया और खाली जगहों को यूं ही छोड़ दिया जाता है इसके बाद इसमें पिघली हुई धात डाली जाती है जब धात ठंडी हो जाती है तो इसके ऊपर मिट्टी के लेप को हटाया जाता है जिससे पिघली हुई धात सांचे पर जम जाती है और बाद में इस पर पॉलिश की जाती है हड़प्पा की रक्स करती हुई लड़की और चोला के कांसे के बने हुए मुजस्मे इस तकनीक के इस्तेमाल से बनाए गए थे पेज सेवेंटी फाइव लोअर टाउन द एक्सप्रेशन इज यूज इन रेफरेंस टू दी हड़प्पन सिटीज इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द सिटी विच वॉज बिल्ट एट लोअर हाइट एज कंपेयर टू इट्स सिटीजन Most Harappan settlements were generally divided into at least two parts the citadel and the lower town. The lower towns were built on the eastern sections of the settlement, with citadels to the west. It is generally suggested that people of different social and occupational background lived and worked in these parts of the cities. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो कालीबंगा एंड अदर टाउन सिविलाइजेशन एग्जिबिट दिस का प्रयोग हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में किया जाता है यह नगर का वो हिस्सा होता था जो उसके दुर्ग भाग की तुलना में नीचे बसा होता था अधिकांश हड़प्पाई बस्तियां कम से कम दो भागों में बटी हुई होती थी दुर्ग भाग और निचला नगर बस्ती में निचला नगर उसके पूर्वी भाग में और दुर्ग पश्चिमी भाग में होता था आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि नगरों के इन भागों में भिन्न भिन्न सामाजिक और व्यवसायिक पृष्ठभूमि के लोग रहते और कार्य करते थे मोहनजोदड़ो कालीबंगा और हड़प्पाई सभ्यता के अन्य नगरों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य नगर नियोजन की इसी पद्धति को प्रदर्शित करते हैं जेरीन शहर इस इजहार का इस्तेमाल हड़प्पाई शहरों के तनाजिर में किया जाता है इससे मुराद शहर का वो हिस्सा है जो किले के मुकाबले में कम बुलंदी पर बनाया गया था आमतौर पर हड़प्पा की आबादी कम से कम दो हिस्सों यानी किले और ज़ेरिन शहर में मुनकसिम थी ज़ेरिन शहर आबादी के मशरकी हिस्से और किला मगरबी जानब बनाए गए थे आम राय यह है कि शहर के मुख्तलिफ समाजी और पेशावराना पसमंजर के लोग इन हिस्सों में रहते और काम करते थे मोहनजदारो कालीबंगा और हड़प्पाई तहजीब के दीगर शहरों से दरियाफ्त होने वाले आपारयाती सबूत इस तरह की शहरी मंसूबाबंदी को उजागर करते हैं लेटर एल ऑफ ट्राइलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल एंड सिया रेड बाय सुचित्रा गुप्ता एंड मोहम्मद साद ट्राइलिंग डिक्शनरी यू एर जस्ट लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सीमा शुक्ला ओझा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉक्टर भारती कौशिक Technical Coordination Batilang Langling Assistance in Production Jagbandhu Jana. Framework Advice Ajit Horo. Production Coordination Vandana Arimardhan. Produced and directed by Vimlesh Chaudhary. And this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.